आप खींचते हो एक स्थिर बिंदु लेकर, निश्चित दूरी लेकर, तो देखिए कि एक प्रतिबंध आप पालन करते हो कि स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी। जब आप कंपास से खींचते हो, सर्किल बनाते हो, तो एक निश्चित नियम को फॉलो करते हो कि स्थिर बिंदु ले लेते हो, फिर निश्चित दूरी ले लेते हो, फिर उसके बाद घुमा देते हो। अगर वो कहीं छोटा बड़ा हो जाता तो वृत्त नहीं बनता। तो एक प्रतिबंध के अंतर्गत, एक दिए हुए प्रतिबंध के अंतर्गत किसी बिंदु द्वारा जो अनुरेखित पथ होता है उसका बिंदुपथ कहलाता है, लोकस कहलाता है, राइट। एक कंडीशन के थ्रू रेखा भी खींचते हो तो एक कंडीशन के थ्रू, कोई भी आकृति खींचते हो तो उसका एक कंडीशन हमको पता रहती है कि किसी दिए हुए प्रतिबंध के अंतर्गत किसी बिंदु द्वारा अनुरेखित पथ को उस बिंदु का बिंदुपथ कहते हैं। वृत्त के बारे में जब आती है बात, तो वृत्त भी एक प्रतिबंध के अंतर्गत ही खींचा जाता है, यानी कि एक बिंदु का बिंदुपथ है भी है। तो वृत्त एक समतल पर, समतल की कल्पना करो, ये समतल का ही सीमित भाग है। तो ध्यान दीजिएगा कि वृत्त क्या होता है, एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। यानी कि वृत्त एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि वृत्त एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। ये दूरी हर जगह इस बिंदु पर स्थित किसी भी बिंदु से, इसकी दूरी स्थिर बिंदु से दूरी समान होगी। यानी ये सब जो आपने पथ बनाया है वो एक नियम के अंतर्गत बनाया है, एक प्रतिबंध के अंतर्गत बनाया है कि भैया इस स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर सभी बिंदु हैं। तो स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता, सर्किल कहलाता। अ सर्किल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ते जो फिक्स पॉइंट है इसको बोलते हैं केंद्र, सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। और ये जो निश्चित दूरी है इसको रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या, राइट। तो पहली चीज वृत्त के बारे में जाने कि वृत्त क्या है। वृत्त एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी कि स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त। ये सभी लोग पहले भी अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें पढ़े जरूर होंगे। उसके बाद आते हैं वृत्त की जीवा, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। तो क्या करना है कॉर्ड बनाने के लिए? ध्यान दीजिएगा, केवल आप दो बिंदु ले लीजिए वृत्त पर और इसी को मिला दीजिए। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, यानी कि जो लाइन सेगमेंट होता है, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्किल, यानी कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसी को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त की जीवा का मतलब वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये वृत्त की जीवा है। इसको वृत्त की क्या कहते हैं? जीवा। आप वृत्त की जीवा की बात कभी भी आए तो वृत्त पर दो बिंदु ले लीजिए और उनको मिला दीजिए, यही वृत्त की जीवा हो जाएगी। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है, कॉर्ड ऑफ। और यही जीवा अगर वृत्त के केंद्र से जाती है, ये भी जीवा ही है, लेकिन ये जीवा वृत्त के केंद्र से जाती है इसीलिए इसको बोलेंगे वृत्त का व्यास, डायामीटर, और ये त्रिज्या की दुगनी होती है। वृत्त की जीवा में एक खूबी और भी होती है। वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को वृत्त खंड कहते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। जो कॉर्ड होती है सर्किल की, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल डिवाइडेड अ सर्किल इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज सेड टू बी सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। वृत्त की जो जीवा है वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, उसमें प्रत्येक भाग को वृत्त खंड कहते हैं। जिस भाग में केंद्र होता है उसको दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं और दूसरा भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लघु वृत्त खंड। ये सब लोग, ये दीर्घ वृत्त खंड है और ये लघु वृत्त खंड है, इतना समझ गए सब लोग। द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री।
यानी कि जो बाउंड्री की जो माप होती है, बाउंड्री की यानी कि जो सीमा की लंबाई होती है उसी को क्या कहते हैं, उसकी पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस, वृत्त के भाषा में इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। और वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि और व्यास, वृत्त का व्यास का जो रेशियो होता है एक कांस्टेंट होता है, इसी को पाई कहते हैं। यानी पाई द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर ऑफ एनी सर्किल। वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास जो होता है ये जो है कांस्टेंट होता है, इसी को पाई से डिनोट करते हैं। और वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होगा, अगर वृत्त की परिधि निकालेंगे तो पाई गुणे वृत्त का व्यास यानी 2r, तो 2πr, इसीलिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। यानी कि जो वृत्त का जो परिमाप होता है, जो इसकी बाउंड्री होती है, इसकी जो माप होती है वो होती है 2π। पाई गुणे व्यास, व्यास होता है 2 × 3, इसीलिए वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। और वृत्त का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² इसको, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वृत्त की परिधि होती है 2πr। इसका भी आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि क्या होती है, सभी को पता है इसको भी। ये देखिए यहीं से आपके स्टार्ट होता है, एक केंद्र है इसका और एक त्रिज्या। इसके पहले एक चीज और आपको जानकारी होनी चाहिए, इसको पहले बता दें, किसी भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप, वृत्त का एक सतत भाग क्या कहलाता, चाप। यहाँ सतत भाग देखिए ए बी, ये जो भाग है चाप कहलाता। अगर इस चाप की लेंथ वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तो जो केंद्र पर कोण बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। कभी भी किसी वृत्त में उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है वो 1 रेडियन कहलाता है। यानी जितनी त्रिज्या है उतना ही चाप। तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसको क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। यानी कि जो आर्क का आर्क है वृत्त का वो रेडियस के इक्वल हो जाए तो केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। यानी कि वृत्त ये तो 1 रेडियन, इसी से पता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, इसी से है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आर है, ये आर, ये आर, तो मेरी बात ध्यान दीजिए और मेरी बात सीरियस समझिए कि ये तो 1 रेडियन हो गया, आर त्रिज्या का चाप है तो 1 रेडियन हो गया। तो मान लीजिए, मान लेते हैं, सीरियस समझिएगा, एल चाप है और केंद्र पर कोण थीटा बनाता है, तो आर लेंथ का चाप है तो केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो 1 रेडियन बनाएगा। एक लेंथ का अगर चाप है तो 1/r बनाएगा और एल लेंथ का चाप है तो एल अपान आर बनाएगा, इतना रेडियन बनाएगा। और एल लेंथ का चाप कोण कितना बना रहा है केंद्र पर, थीटा, इसलिए कहा जाता है थीटा बराबर एल अपान आर, इसलिए कहा जाता है कोण बराबर, एल का मतलब चाप और आर का मतलब त्रिज्या। कोण बराबर, और ये जो इसका जो चाप और त्रिज्या के अनुपात से जो मिलेगा वो रेडियन में आएगा, ध्यान रखना रेडियन। रेडियन के बारे में आपको पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप प्लेलिस्ट से देखेंगे तो पहला वीडियो इसमें इसी पर आधारित सेक्सागेसिमल, सेंटीसिमल और इधर रेडियन, सर्कुलर सिस्टम, तीनों के बारे में बहुत विस्तृत उसमें पढ़ाए। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी कि जितना चाप उतना त्रिज्या, दोनों बराबर तो 1 रेडियन। तो कहने का अर्थ है कि इसके चाप भी लेंथ है, त्रिज्या भी लेंथ है, लेंथ से ही बना है कोण, तो इसको इसका जो मात्रक होगा वो रेडियन में होगा। ध्यान दीजिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मान लीजिए आर त्रिज्या है तो कितना बना, रेडियन की परिभाषा से कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप केंद्र पर जो कोण बनाता है वो 1 रेडियन। तो आर अगर आर लेंथ है चाप की तो कोण कितना बना, 1 रेडियन। तो अगर एक लेंथ होगी तो 1/r और एल लेंथ होगी तो 1/r, माना एल लेंथ वाला थीटा कोण बनाता है, थीटा बराबर एल बटे आर,
तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसीलिए कहा जाता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये शब्द जब आप आता है सेक्टर के बारे में, आप देखिए क्या कहेंगे, ये वृत्त है, इसका केंद्र है हर बच्चा, ये इसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये और ये भी चाप है। क्षेत्र वह वृत्तीय क्षेत्र यानी वृत्त का ही एक भाग जो किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप से घिरा हो, यानी द रीजन इनक्लोज्ड बाई टू रेडियाई एंड करिस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्किल इज सेड टू बी सेक्टर ऑफ द सर्किल, यानी कि रीजन इनक्लोज्ड बाई टू रेडियाई एंड करिस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्किल इज सेड टू बी सेक्टर ऑफ द सर्किल, यानी कि ऐसा रीजन जो दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप द्वारा घिरा है इसी को बोलते हैं सेक्टर त्रिज्यखंड। देखिए वृत्त है, ए इसका सेंटर है, ए रेडियस है, रेडियस है, तो दो त्रिज्या हो गई और इनका ये संगत चाप हुआ, इनके बीच का जो भाग है इसी को बोलेंगे त्रिज्यखंड, राइट। द रीजन इनक्लोज बाई टू रेडियाई एंड करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ सर्किल इज सेड टू बी सेक्टर ऑफ द सर्किल, यानी कि जो रीजन इनक्लोज बाई टू रेडियाई एंड करिस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्किल, ये करिस्पॉन्डिंग आर्क है यानी ये दो रेडियाई यानी कि दो त्रिज्या है और ये संगति का जो भाग है, यानी कि वह वृत्तीय क्षेत्र जो किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा, यानी कि दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा जो भाग है इसी को बोलेंगे त्रिज्यखंड। सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का परिमाप, इन सब पर हम चर्चा यहां करने वाले हैं। ये देखिए, ये देखिए आर है, आर है, एल है। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल पर। मान लीजिए कोण थीटा है, हर बच्चा सीरियस, एक कोण थीटा है, तो यहां देखिए एक कोण थीटा है, आप ये समझते हो कि अगर पूरा कोण की बात होती है तो 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री अगर कोण है केंद्र पर बना तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर एक डिग्री है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अगर मान लीजिए थीटा डिग्री है तो क्या आएगा, थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। इसीलिए वृत्त का जो यहां त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसका एक सूत्र यह भी होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा डिग्री में रखिएगा, यहां 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अब थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो वृत्त का चतुर्थांश हो जाता है यानी चतुर्थ अंश हो जाता है। थीटा अगर 90 डिग्री हुआ, एक 180 डिग्री हुआ तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। ध्यान रहे यहां थीटा डिग्री में यूज करना, डिग्री में थीटा किस में यूज करना है, डिग्री में। तो त्रिज्यखंड अगर 360 डिग्री है तो क्या बनाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर, जान तो एक डिग्री है तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री, थीटा को डिग्री में ही रखना है, थीटा डिग्री बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, या थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा को हम डिग्री में ही रखेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का पहला सूत्र है कि थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ थीटा का यूज डिग्री में ही करेंगे, तो डिग्री में ही यूज करेंगे तब ये सूत्र लगेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। एक चीज और बता दें, त्रिज्यखंड दो प्रकार का होता है, एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर का अर्थ होता है कि जो जो माइनर आर्क हो, अगर ये माइनर आर्क और दो त्रिज्याओं के बीच का भाग है, माइनर आर्क है, छोटा है, और ये जो है मेजर आर्क है, तो अगर माइनर आर्क है तब उसको क्या बोलेंगे, यानी कि इसकी बाउंड्री में माइनर आर्क है यानी कि लघु चाप है,
अगर बाउंड्री की जो सेक्टर की बाउंड्री है उसमें लघु चाप है तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर और दूसरे को बोलेंगे जो है मेजर सेक्टर। तो अगर कभी भी आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ध्यान देना यहां, ध्यान समझिएगा, ये थीटा का मान 180 डिग्री से कम ही होगा इसमें, देखिए लघु वाले में। तो अगर तो आपको कभी निकालना हो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, आपको ये वाला पूछे तो देखिए 180 से बड़ा ही एंगल होगा, तो 180 से बड़ा है तो समझ लीजिएगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये लघु त्रिज्यखंड है, थीटा बन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। कभी काल इसका एरिया पूछे तो इसका निकाल के पाई आर स्क्वायर में घटा दीजिए, क्योंकि टोटल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आपको जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे या थीटा डिग्री में। अगर रेडियन की बात आती, रेडियन आप जानते हो कि मेरी बात ध्यान समझिएगा, जैसे 30 डिग्री है, अगर इसको रेडियन बदलना है तो 30 गुणे पाई बटे 180 का गुणा करिए, क्योंकि आप सब जानते हो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो अगर 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर रेडियन में अगर कभी भी चेंज करना हो तब क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। पाई रेडियन होता है और 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है, हर बच्चा जान जाए। और 180 डिग्री ऑफ पाई रेडियन, 360 डिग्री ऑफ 2 पाई रेडियन। तो आप देखिए, अगर मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर 2 पाई रेडियन है कोण केंद्र पर बना, तो एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर, 2 पाई मतलब डिग्री में 360 डिग्री। अगर 1 रेडियन है तो होगा पाई आर स्क्वायर 2 पाई। अगर मान लीजिए थीटा रेडियन है तो थीटा पाई आर स्क्वायर 2 पाई, पाई से पाई कट गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। लेकिन ध्यान दीजिए यहां जो यूज किया है थीटा वो रेडियन में, हाँ हर बच्चा ध्यान देगा थीटा किस में है, रेडियन में, ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से ध्यान रखिएगा। वैसे भी यही से समझ लीजिए 360 डिग्री का मान 2 पाई रख दे, पाई से पाई कर दिया, ये अपने आप आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर थीटा भी होता है, लेकिन थीटा रेडियन में। थीटा पान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर कब होता है, जब थीटा डिग्री में। अगर डिग्री में आप, ज्यादातर क्वेश्चन डिग्री में ही है, तो थीटा पान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियन में दिया, रेडियन का मतलब इस तरीके से पाई बाय 6 रेडियन, 2 पाई बाय 3 रेडियन, इस तरीके से दिया हो तो समझ लीजिए कि आप सूत्र लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अगर आप रेडियन में बदल देंगे तो आपका सूत्र होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एक तरीका और भी होता है कि कोण, देखिए मान लीजिए आपको चाप और त्रिज्या के पदों में एरिया ज्ञात करना हो, तो अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर सूत्र होता है, कोण का मतलब थीटा, चाप मतलब यल बटे आर, तो आर थीटा बराबर यल। ध्यान रहे यहां थीटा रेडियन में है, थीटा किस में है, रेडियन में, ध्यान रखिएगा। तो थीटा बराबर यल बटे आर जानते हो कोण, या आर थीटा बराबर यल, तो यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है बराबर हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर थीटा इंटू आर, और आर थीटा का मान यल होता है, हाफ यल आर। ये भी एरिया ऑफ सेक्टर ही होता है। एरिया ऑफ सेक्टर के तीन सूत्र आपने सीखा, पहला तो जब थीटा डिग्री में हो तो थीटा पान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा रेडियन में हो तो हाफ आर स्क्वायर थीटा, और अगर आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दी गई हो हाफ यल आर। ध्यान दीजिए चाप की लंबाई और त्रिज्या दी हो तो सूत्र हाफ यल आर होता है, अगर थीटा रेडियन में है तो हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। और अगर रेडियन के बारे में आप समझिए, वास्तव में कोण को ज्ञात करने के लिए तीन मात्रक इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्य रूप से। एक मात्रक यूज किया जाता है डिग्री, डिग्री की जो परिभाषा है वो जो परिभाषा है कि एक समकोण के 90 बराबर भाग किए गए प्रत्येक भाग को एक डिग्री कहा गया। समकोण की कल्पना करो, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो, तो समकोण आप जानते हो ये समकोण है, अब इस समकोण के 90 बराबर भाग कर दिया जाए तो
तो प्रत्येक भाग को एक डिग्री कहा गया। अब उस एक डिग्री के प्रत्येक यानी कि एक समकोण के 90 बराबर भाग, इसके 90 बराबर भाग किए जाए तो प्रत्येक भाग को एक डिग्री कहा गया। फिर एक डिग्री के 60 बराबर भाग किए जाए, प्रत्येक भाग को एक मिनट कहा गया। और एक मिनट के 60 बराबर भाग किए जाए, प्रत्येक भाग को एक सेकंड कहा गया। इसीलिए कहा जाता है एक समकोण में होता है 90 डिग्री, और एक डिग्री में होता है और एक मिनट में 60 सेकंड। तो ध्यान दीजिए, एक समकोण में 90 डिग्री, एक डिग्री भी कोण का मात्रक है, ये जो है सेक्सागेसिमल सिस्टम है, षष्ठक पद्धति है। यानी कि एक समकोण के 90 बराबर भाग किए गए, प्रत्येक भाग को एक डिग्री कहा गया, तो इसलिए 90 भाग थे तो 90 डिग्री, और एक डिग्री के 60 बराबर भाग किए गए तो प्रत्येक भाग को एक मिनट, और एक मिनट के 60 बराबर भाग किए गए प्रत्येक भाग को एक सेकंड। तो इसको बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। ये ब्रिटिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम है। यहाँ जो है 60-60 का, एक समकोण में 90 भाग किए तो एक समकोण को 90 भाग किए तो 90 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। यानी कि डिग्री से छोटा मात्रक मिनट और मिनट से छोटा मात्रक सेकंड। अब आते हैं उसके बाद, अगर एक समकोण के 100 बराबर भाग कर दिए जाए, कितने भाग 100 बराबर भाग किए जाए तो प्रत्येक भाग को एक ग्रेड करते हैं, इसको बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम, सतिक पद्धति। एक समकोण के 100 बराबर भाग किए गए तो प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहा गया, इसलिए एक समकोण में 100 ग्रेड होता है। 100 ग्रेड, एक समकोण के 100 बराबर भाग किए गए, प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहा गया, और एक ग्रेड के 100 बराबर भाग किए गए तो प्रत्येक भाग को एक मिनट कहा गया, एक ग्रेड में 100 मिनट, और एक मिनट के 100 बराबर भाग किए तो 100 सेकंड। ध्यान देना, इसके मिनट से इसका मिनट बराबर नहीं हो सकता, यानी कि सेक्सागेसिमल का एक मिनट और उसके बाद सेंटिसिमल सिस्टम का एक मिनट अलग अलग है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि डिग्री कहाँ से आया, कि एक समकोण के 90 बराबर भाग किए गए, प्रत्येक भाग को एक डिग्री, एक डिग्री के 60 बराबर भाग किए गए, प्रत्येक भाग को एक मिनट, और एक मिनट के 60 बराबर भाग प्रत्येक को एक सेकंड, और एक समकोण के 100 बराबर भाग किए गए, प्रत्येक भाग को एक ग्रेड, एक ग्रेड के 100 बराबर भाग किए गए, प्रत्येक भाग को एक मिनट, और एक मिनट के 100 बराबर भाग किए गए, प्रत्येक भाग को एक सेकंड। तो इस डिग्री के बारे में, एक इसके बारे में है, ग्रेड के बारे में। अगर जितना त्रिज्या उतना चाप तो उसको एक रेडियन, यानी कि अगर यूनिट सर्किल है तो एक इकाई त्रिज्या का जो चाप केंद्र पर कोण बनाएगा उसको एक रेडियन कहेंगे। यूनिट सर्किल मतलब जिसकी त्रिज्या एक हो, तो एक इकाई का जो है चाप जो कोण बनाएगा केंद्र पर उसको क्या बोला गया, एक रेडियन। रेडियम सिस्टम, जो रेडियम सिस्टम है वो लेंथ के अनुसार है, लेंथ के अनुसार कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। भी मैंने बताया कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू होता है आर का पावर रेडियस, और इससे जो मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा, ध्यान रखना। अब मुद्दा बनता है, ये तो आपने समझ लिया कि ये चीजें हुई। अब यहां पर एक सिस्टम होता है कि पाई का मान हम लोग जो यूज करते हैं 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ऐसा क्यों यूज करते हैं, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन क्यों होता है, ये हमको जानना जरूरी है। अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होगा तब इससे हमको पता चल जाएगा कि 90 डिग्री जो समको पाई बाई 2 रेडियन के बराबर है। तो आप देखिए, कोई वृत्त है, खूब ध्यान समझिएगा, ये इसका सेंटर है, केंद्र है वो, क्लियर हो। अब मान लीजिए, सीरियस समझिएगा, आर त्रिज्या है, आर चाप है, तो एक कोण एक रेडियन होगा, पक्की बात है, राइट। जितनी त्रिज्या अगर उतना चाप है तो एक रेडियन होगा, ठीक। अब मान लीजिए ए जो है, ए है, ए ओ बी, हर बच्चा। अब एक आप थ्योरम पे आएंगे, एक थ्योरम आपने पढ़ा था इसमें, कि मेरी बात ध्यान समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बीसी चाप है और बीसीए चाप है, इनका जो अनुपात होगा, इनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोणों का अनुपात समान होता है। यानी कि चाप की लेंथ का जो रेशियो होगा,
इनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाएगा दोनों का रेशियो बराबर होता है, यानी कि चाप बीसी और चाप बीसीए का जो रेशियो होगा इनके द्वारा केंद्रों पर बनाए गए कोण के अनुपात के बराबर होता है। यानी कुल मिलाकर जो चाप बीसी है और चाप बीसीए, चाप बीसी और चाप बीसीए, अब इसने केंद्र पर कोण क्या बनाया, कोण बीओसी, और इसने केंद्र पर कोण बीओए, तो चाप बीसी का मान आर है और चाप जो बीसीए है वो अर्धवृत्त है क्योंकि व्यास है, तो पूरा होता है 2πr/πr बराबर कोण बीओसी बटे कोण बीओए, ये आर से आर कैंसिल तो कोण बीओए बराबर हो गया, बीओए बराबर एंगल बीओसी इंटू पाई इधर आएगा इंटू पाई हो जाएगा, तो एंगल बीओसी का मान हो जाएगा एंगल बीओए बटे पाई। तो बीओए का मान कितना है, बीओए का मान है स्ट्रेट एंगल है तो जाहिर सी बात है देखिए व्यास है तो स्ट्रेट एंगल होगा 180 डिग्री, और बीओसी का मान 1 रेडियन, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई, इसीलिए 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई या पाई रेडियन, पाई की इधर गुणा कर दीजिए, पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसीलिए रेडियन कभी भी 1 रेडियन त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता, कॉन्स्टेंट एंगल कहा जाता है। चलिए और हल्के से समझते हैं लोग, आप देखिए एक चीज और देखिए, जैसे आप एक कोण कहते हो ना, जैसे एक कोण 180 डिग्री तो क्लियर है ना, इस कोण का मान ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो अर्ध वृत्त है इसका जो चाप की लंबाई होगी पाई आर, और अभी आपने सीखा कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, आपने यही कहा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या और रेडियन में रहेगा, तो चाप इस पूरे कोण के लिए चाप कितना है बोलो, पाई आर और त्रिज्या है आर, तो पाई रेडियन आया, पाई रेडियन आया, और एक कोण जो है 180 डिग्री भी होता है आप जानते हो स्ट्रेट एंगल है, तो इसीलिए पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, जो हम लोग कहते हैं पाई की जगह 180 डिग्री, उसका यही रीजन है कि पाई रेडियन बराबर हम लोग 180 डिग्री जानते हैं, यानी पाई रेडियन भी कोण का ही मात्रक है, लेंथ के अनुसार बना है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री या 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई, 180 डिग्री और पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 डिग्री को रेडियन बनने के लिए पाई बटे 180 का गुणा कर दिया जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपको समझ पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन, ये दिमाग में रखे रहिएगा, तो 30 डिग्री बराबर अगर है तो 30 पाई बटे 180 रेडियन, तो हो जाएगा 3×6 = 18 पाई बाई 6 रेडियन, इसलिए डिग्री को आप रेडियन में बड़े आराम से बदल सकते हैं, भाई इतना ध्यान रखें 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, 30 डिग्री बराबर 30 पाई बटे 180, तो डिग्री अगर में है तो उसमें पाई बटे 180 का गुणा करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका रेडियन का जो है रेडियन डिग्री में संबंध था। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तीनों में मैंने बहुत अच्छे से उसको समझा के रखा है, तो उसको समझिएगा, आपने पहले कांसेप्ट समझिए सेक्टर क्या है, मैंने कहा कोई वृत्त है, एक केंद्र है इसका और ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है OA और OB त्रिज्या है, तो दो त्रिज्याएं हो गई और उसका संगत चाप, ये बीच का जो रीजन है इसी को बोलेंगे त्रिज्यखंड, इसी को बोलेंगे सेक्टर, मान लीजिए कोण थीटा है।